ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। फ्लिपकार्ट कंपनीमध्ये ठेवलेले महागडे मोबाईल चोरून विकणाऱ्या फ्लिपकार्ट डिलिव्हरी बॉयला मुंबईच्या बोरिवली पश्चिम MHB पोलिसांनी अटक केली आहे। या दरम्यान फ्लिपकार्ट कंपनीच्या मॅनेजरने MHB पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली होती की फ्लिपकार्ट कंपनीमध्ये मोबाईलची ऑर्डर रद्द केल्यानंतर मोबाईल परत कंपनीकडे यायचा, सातत्याने चोरी होत असून आतापर्यंत डझनभर मोबाईल गायब झाले आहेत। तक्रार नोंदवल्यानंतर MHB पोलिसांनी पथक तयार करून तपास सुरू केला। पोलिसांनी फ्लिपकार्ट कंपनीचे CCTV फुटेज स्कॅन केले, ज्यामध्ये व्यवस्थापक चोरी करताना दिसत आहे। तपासादरम्यान कंपनीचा मॅनेजर आणि डिलिव्हरी बॉय हेच मोबाईल चोरत असल्याचे निष्पन्न झाले। MHB पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2022 को फिरियादी नामे अभिषेक साहिल, इन्होंने एक FIR दर्ज किया था। वो FIR में उन्हें उनकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक FIR दाखिल किया था। हमने जब भी उनके कंपनी के CCTV कैमरे फुटेज अभी देखे, तभी उसमें वहाँ के ही जो डिलीवरी बॉय करके काम कर रहे हैं, उन्होंने वो चोरी की है। सर, बताया जा रहा था कि ये अपनी को खुश करने के लिए ये चोरी क्या करते थे? हाँ, ये तीन जो आरोपी हमने अरेस्ट किया है, उनका नाम है प्रणव जवल, भूषण गंगन और हितेंद्र राजभोर। इन्होंने ये जो 15 मोबाइल चोरी किए है, उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,71,000। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये बोला था कि हमें वो मजा करना था गर्लफ्रेंड के साथ, और उसी कारण वो लोग ने चोरी की है। सर, इन आरोपियों को कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, ये आरोपी ने जो 15 मोबाइल हमने जो रिकवर किया, उसमें से 11 मोबाइल हमने जामनगर गुजरात से किए हैं, बाकी के 4 मोबाइल हमने कांदेवली, गोराई और दहीसर से किए हैं। और ये आरोपी ये कांदेवली और दहीसर के बीच में ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कोई और मामला दर्ज? वो हम अभी वो जांच कर रहे हैं। पोलिसांनी सांगितले की कंपनीच्या व्यवस्थापक सागर राजगोर यांच्या सांगण्याप्रमाणे रद्द केलेला मोबाईल चोरून बाहेर स्वस्तात विकण्याचं काम केल्याचं पोलिसांनी सांगितले। त्याच्याकडून मिळालेल्या पैशातून सागर राजगोर वय 25, भूषण गांगन वय 21, प्रणय ढवळ वय 19 हे तिघेही साथीदार मिळून प्रेयसी सोबत मौज मजा करायचे। सध्या तिघांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या ताब्यातून 15 मोबाईल जप्त करण्यात आले। त्याची किंमत सुमारे 6,50,000 रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे लोक असे मोबाईल चोरून अनेक दिवसांपासून मुंबई आणि गुजरातमध्ये विकायचे। संध्या लाईव्हसाठी प्रतिनिधी मंगेश पाटे, नारायणगाव। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।